दोस्तों, इस वीडियो को देख के आपको होंडा अमेज की काबिलियत के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। ये वैसे तो एक अर्बन कार है, लेकिन कितनी काबिल है, कितनी ये कैपेबल है, इसका आपको थोड़ा सा आइडिया पता चलेगा अब इसको देख के। कि खाली शहर में ही नहीं, अभी गांव में हम हैं। गांव में मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव करके भी बताया था कि ये फंस गई थी। अभी हमने कल धोखे से, हम जिस चक रोड पे इसको शाम तक ले गए थे, आज वहाँ पानी भर गया, पता नहीं था, हमने बैक में घुसा दी और ये गाड़ी फंस गई थी। बट स्टिल पूरा फंसने के बाद भी नीचे तक ये अगले टायर भी फंस गए थे, उल्टा लेके गए थे और ये फंस गए थे। उसके बावजूद भी ये निकल आई बाहर आराम से। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन टायर नए थे, थ्रेड काफ़ी थी इसमें, तो उन्होंने निकाल दिया इसको। और देखिए, हम इससे ये कितनी टफ है, कितनी मल्टीपर्पज़ है। मतलब इससे आप ही सोचोगे, हम गांव में इतना काम ले लेते हैं इससे। अब देखो, ये जितने भी आम है ना, ये सारे के सारे इस अमेज़ में भर के आए हैं। ये देखो, अभी भी निकाल रहे हैं डिग्गी में से, पूरी डिग्गी भरी हुई थी। डिग्गी भर के इस पे जो है आम लेके आए हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने ही एक वीडियो बनाया था, हमें इसका 5 साल का एक्सपीरियंस, और अब ये लगभग 7.5 साल से ऊपर हो गए इसको मेरे पास। 1,20,000 से ऊपर चल गई और अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, खर्चा तो है ऑन एन एवरेज, इसकी सर्विस अगर मैं बताऊँ आपको तो लगभग 8-8.5 हज़ार रुपये मान के चलो, ऑन एन एवरेज इतना खर्चा आ जाता है, और ऑन एन एवरेज। और ये देखो, यूज़ में फिर इसको पूरा करता हूँ। हाँ, ज़ीरो टॉलरेंस मेरी इसमें पॉलिसी है, चाहे सर्विस के रिगार्डिंग हो, चाहे किसी भी पार्ट के रिगार्डिंग हो, अगर ज़रा सी भी कोई कमी हो तो मैं एकदम चेंज करा देता हूँ। सो उसी का ये नतीजा है कि अभी तक बहुत ही बेहतरीन चल रही है, शहर में भी और गांव में भी, दोनों तरीके से यूज़ में इसको ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया गाड़ी है, 20 से प्लस का एवरेज है, तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी आप तो समझदार हैं, देखिए। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ बूट स्पेस, 400 लीटर प्लस। इंटीरियर में भी यहाँ पर भी आम रखे हुए थे, इस पर भी क्रेट रखी हुई थी, और कुछ थोड़ा ऑफ रोडिंग के चक्कर में अंदर से भी गंदी हो गई है, देख सकते हैं। ये थोड़ी देर में अभी मैं इसको साफ कर दूंगा। तो ऐसी है कुछ मल्टीपर्पज़ ये गाड़ी, ऐसा ही नहीं कि एक अर्बन कार है, ये एक मल्टीपर्पज़ गाड़ी है। देखो मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि मैं फ़ोन में लगा रहता हूँ काम के अलावा। चलो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको अमेज़ के बारे में कुछ और पूछना हो तो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, सो दैट अगर मैं कोई भी नई वीडियो जब भी बनाऊंगा आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलता हूँ फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।